नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़ियाखेड़ा गांव, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है। और देखिए, हमारे भाई साहब है विनोद कामनी, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो काफी मशहूर बंदे हैं। तो आज इनके गांव में हम पहुंचे हैं। तो विनोद कामनी जी यहां गेहूं का उठाने का काम करवा रहे हैं। तो यहां देखिए, एक कोबरा सांप देखा गया। तो थोड़ी देर पहले भी हम यहां आके गए थे। तो हमें सांप नहीं मिला था, क्योंकि बोरियां बहुत ज्यादा यहाँ पड़ी थी, तो उठाने में दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने बोरियां वगैरह उठाई है, तो सांप इन्होंने देख लिया, कोबरा सांप है। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा सांप मिलता है। तो भाई साहब बता रहे हैं कोबरा सांप है, तो अभी देखते हैं कहाँ मिलेगा। और हमारी वीडियो में अंत तक जुड़ रहे हैं, ताकि इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारियां दे सके। तो देखिए दोस्तों, ये सांप हमें मिल चुका है, जो कि इंडियन सेप्टिकल कोबरा सांप है और काफी खतरनाक सांप है। और अंदर की तरफ चला गया। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ आ गया। तो देखिए दोस्तों, काफी गुस्सैल सांप है। अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट कर जाए तो इंसान की मौत निश्चित है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। तो देखिए दोस्तों, इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है। अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट कर ले और वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। जब भी ऐसा सांप बाइट करता है तो इंसान के लगभग दो इंसान बनते हैं, और इंसान को हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो सकती है। तो जब भी ऐसा सांप बाइट करे तो आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट किया जा सके और आपकी जान भी बचाई जा सके। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। कितनी फुंकार मार रहा है देखो। देखिए दोस्तों, काफी गुस्से में है। तो देखिए दोस्तों, करीबन 3 फुट का है और छोटा होने के साथ साथ खतरनाक भी है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको डिब्बे में पैक कर दिया। और हमारी वीडियो देखिए आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट बंदे का काम है। अगर आप हमारी कॉपी करोगे, हमारी नकल करोगे, तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक जहरीला जीव है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपकी जान की भी हानि हो सकती है। तो इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक जीव की जान बचाई है। और विनोद कामनी भाई साहब की हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा YouTube चैनल है स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों के बारे में आपको अधिक जानकारियां मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों को अधिक से अधिक बचा सको। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, अभी अभी हम एक कोबरा सांप रेस्क्यू करके लेके हैं,
तो अभी हम इसको जंगल में रिलीज करने के लिए आए हैं। तो देखिए काफ़ी खतरनाक कोबरा सांप है, तो काफ़ी गुस्सैल भी है। अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट कर लेता है तो इंसान की मौत निश्चित है अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। तो देखिए दोस्तों अभी इसको मैं रिलीज़ करता हूँ। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर जो कि गेहूँ का गोदाम था, तो गेहूँ के गोदाम के अंदर जो कि मजदूर वहाँ काम कर रहे थे तो थोड़ा सा हादसा होने से बच गए। तो कुछ भी हो सकता था, वहाँ किसी को अगर बाइट कर लेता तो किसी की जान भी जा सकती थी। तो देखिए दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो खतरनाक कोबरा सांप। तो देखिए काफ़ी गुस्से में है और शायद हमसे नाराज़ भी है। तो कोशिश करता हूँ मैं इसको, ये बाहर निकले। तो देखिए दोस्तों ये बाहर निकल चुका है और काफ़ी गुस्से में है, तो हम पे ये बाइट भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार एक्टिव है और काफ़ी फुर्तीला सांप है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार की लोग कहते हैं कि सांप बीन पे नाचता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार मैं अपनी ये डंडी हिलाऊंगा उसी प्रकार ये सांप हिलता रहेगा, क्योंकि इसका फोकस जो कि कलर पे होता है, जो कि ब्लैक कलर है उस पर ज़्यादा ये फोकस करता है, और रेड कलर है ब्लैक कलर है तो उन पर ज़्यादा ये फोकस करता है और उन्हीं पर ये अटैक करता है, क्योंकि इसकी सुनने की क्षमता है जो कि इसके कान नहीं होते। लोग कहते हैं कि इसको सुनाई देता है तो ऐसा कुछ नहीं है, सांप को सुनाई नहीं देता क्योंकि इसके कान नहीं होते। और ये तो देखिए दोस्तों किस प्रकार इसने अटैक किया। तो देखिए दोस्तों ये बीन की बजाय इस डंडी पे नाच रहा है। तो देखिए किस प्रकार इसकी निगाहें जहाँ जहाँ ये डंडी घूम रही है उसी प्रकार ये अपना हुड फैला रहा है और अपनी मुंडी को उसी प्रकार घुमा रहा है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है और काफ़ी गुस्से में है, शायद हमसे नाराज भी है। तो देखिए दोस्तों इन वन्य जीवों को हमारी टीम के साथ जुड़ के लगातार आप भी इनको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि जो कि वन्य प्राणी हैं इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन वन्य जीवों को नहीं बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण जो कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसने बाइट किया अभी अभी इस डंडी पे, तो इस डंडी पे बाइट करने से ये अपना थोड़ा बहुत विष बीज पे छोड़ देगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बैक चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सतर्क रहे क्योंकि इसका बार। तो देखिए दोस्तों इसको जो सांप के जो कि बैक साइड जो यू टाइप का निशान बना होता है, तो इसको बैक साइड जो कि परमात्मा की एक देन है, जो कि प्रकृति की वजह से इसे जो कि बैक टाइप बैक साइड में इसका हुड के जो बैक साइड में निशान दिया हुआ है, आंखों के प्रकार का इसका निशान बना हुआ है, तो ये निशान प्रकृति की देन है और इसी निशान की वजह से जो कि इस पर अटैक करते हैं, जो भी जानवर इस पर अटैक करता है तो वो समझता है कि इसको बैक साइड में इसकी आँखें हैं तो इस सांप के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों थोड़ा गला भी मेरा खराब है तो समझ चाहता हूँ, बीच में एक कोला आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों काफी शांत हो चुका है ये सांप। अभी ये भागने की फिराक में है, तो अभी ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो इसे जाने दे रहे हैं ताकि अपना बाकी का जीवन इस जंगल में व्यतीत कर सके।